अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कॉनन। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप डेली ब्लॉगिंग भी किया करें और अपना रूटीन शेयर करें। तो इस वक्त मॉर्निंग हो चुकी थी, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब थे ये टाइम, और धूप भी अच्छी खासी आ गई थी। तो बस फिर मैं आई हूँ बाहर की तरफ, और क्या मैंने हैपनिंग चीज़ देखी है, और वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। इतना प्यारा सा गुलाब का फूल खिल चुका है, क्योंकि आज है जुम्मा और 2 दिन से बारिश हो रही है कराची में। तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, और उसकी वजह से आपके फिर प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, हरियाली, पौधे, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आज भी थोड़े बहुत बादल हैं, वैसे धूप भी है और अभी भी स्टिल गर्मी है। बारिश से कोई जो है नई पेशरफ कोई टाइप की नहीं हुई है, बस सही है मौसम। तो इस वक्त दोपहर हो रही है और सुबह हो रही है, और अच्छी खासी 11 साढ़े 11 बजे के करीब धूप है, और बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। तो अभी उधर भी चलेंगे। बस आप लोग से सबसे बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा जो है लगता है आप लोग की सपोर्ट को देखते हुए। तो देखें, नए नए गलियाँ और नए नए फूल पौधे आ रहे हैं, और मेरा डेली का रूटीन ये है कि मैं सुबह सुबह उठती ही सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखने जाती हूँ। तो पता नहीं क्यों ये मेरे साथ है इस वक्त। इस टाइम जो है मैं किचन में आई थी, तो देखा था कि दूध ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो अब थैली रखी हुई है वो उबालने के लिए। तो मैं निकालती हूँ 1 किलो दूध की, और जो है दूध सबसे पहले वो उबालते हैं चाय के लिए, क्योंकि हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। तो मेरी जो देवरानी है वो उठी होगी सुबह, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है सुबह में जाते हैं, और मेरे हस्बैंड की इवनिंग की जॉब है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। तो बस अब ये है कि मैं दूध सबसे पहले तो उठा लेती हूँ, फिर नाश्ते पराठों की तैयारी करती हूँ। ये देख लीजिए, अब इस टाइम पे पराठे भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए, और हम लोग क्या जो है दूध पत्ती चाय पी जाती है, मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद है। तो अब जो है ये कहते हैं रात का कीमा बना था, कीमा आलू बना था। थर्सडे वाले दिन हमारे यहाँ जो है वो तातिया होती है मेरे सास ससुर की, तो उस दिन जो है कल कीमा बना था, वो रखा हुआ, और ये रात की रोटी थी, जो कि हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। रात की रोटी इतनी ही बची थी, तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि अगर कुछ रात की रोटी बची हो तो वो खा लूँ। और ये जो आप पराठा देख रहे हैं ये किसी स्पेशल बंदे के लिए, तो मैं उससे आपको मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको नाश्ता दिखा देती हूँ। चाय निकाल लो चुकी हूँ मैं, और माय फेवरेट, सुबह सुबह बस सिर्फ मुझे चाय चाहिए होती है, वो भी इतना बड़ा कप भर के। तो ये पराठे वगैरह बना के, और अब हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा है कि आ जाएं और फटाफट से नाश्ते करें। तो ये जो मैं आपको दिखाई थी ना स्पेशल बंदा, तो ये लीजिए, उस पराठे का ये हशर हो चुका है, इतने छोटे छोटे से टुकड़े हो चुके हैं, और अब मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा छत पर, तो अब मैं जा रही हूँ इस वक्त आप लोग को लेके छत पे। तो बहुत ही स्पेशल बंदे हैं हमारे घर के, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं और मेरे घर के सबसे फेवरेट बंदे हैं। तो दोनों बंदे क्या बोलूँगी, मेरे प्यारे से कबूतर। जी हाँ, ये मेरा डेली का रूटीन में से शामिल है कि मैंने इनको दाना देना है। और ये देखिए खूबसूरत तरीन जोड़ी, तो ये नर मादा यानी कबूतर कबूतरी है, और बस इनको ही ये रोटियां डाली हैं, और जो है ये खाते पीते इतने अच्छे लगते हैं ना, कि बस मेरा सुबह सुबह सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं इनको देखकर, इनको खिला के। तो बस ये कि ये प्यारे प्यारे से कबूतर मेरे हैं, और इनको डेली का मेरा रूटीन है, इनको जो है सुबह एक पराठा मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, और आज तो मैंने इनके लिए रोनी रोटी बनाई है। तो ये खा रहे हैं, इनको देखते हुए बड़ी खूबसूरती लगी है। तो आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ और देखें इनको।
जी हाँ, तो रीडी ब्लॉगिंग में मेरा ये काम आपको मैंने दिखा दिया कि आप इस टाइम दोपहर हो चुकी थी और आज जुम्मा था, तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जब जा रहे थे, अगर उन्होंने एक छोटा सा अंडा दिया है तो ये अंडे पे बैठे रहते हैं, तो इसलिए यह बंदा आके बैठ गया था अंडे पे। अब होती है हमारे खाने की तैयारी, और क्योंकि दोपहर में मैं और हस्बैंड, जब आपको पता है कि नाश्ता इतना लेट हो जाता है तो हम लोग दोपहर में कुछ नहीं खाते, और बस ये कि मैं रात में हम लोग सब एक साथ ही फिर खाना खाते हैं, तो रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो मैं खड़े मसूर की बिरयानी खाऊंगी। खड़े मसूर की दाल उबाल के रख ली है और तकरीबन 8 से 10 टमाटर काट लिए हैं और 3-4 प्याज काट के उसको अच्छे से फ्राई करके इसका भगार तैयार करते हैं। और इसके अलावा मैंने आलू बुखारे ले लिए थे 3-4, तो साथ के साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1.5 चम्मच, लौंग, दालचीनी और लौंग, इलायची और ये काली मिर्च, जीरा और हल्दी, और ये है हमारा लहसुन पिसा हुआ, ये जाएगा। तो ये मसाले मैंने सब चीज़ें निकाल के रख ली थी और सफाई वफाई कर ली थी, बर्तन वर्तन सब धुल चुके थे, और ये देखिए बघार तैयार हो चुका था। अब मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल रही थी, तो इसको मैं निकाल के और इसी ऑयल में अब मैं जो है बाकी का प्रोसेस तैयार कर रही हूँ। तो साथ के साथ रेसिपी भी आप लोग देखते जाएं, और अगर पसंद आए तो ज़रूर घर में बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। बस जी, अब ये एक साइड पे भगार कर दिया है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर इसी तेल और थोड़ी बहुत भगार लहसुन पिसावा जा रहा है, और जो है इसमें बाकी मसाले करती हूँ मैं जितने भी हैं। अच्छा, अभी अभी सोच रही हूँ कि मैंने शाम की तैयारी करी है, सुबह दिखाई और रात के खाने की तैयारी हो गई। तो भाई दिन में हम लोग गए थे क्लिनिक पे और उस वक्त हम शूट करना भूल गए, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे आदत होगी। तो ये है कि दोपहर में हम लोग गए थे डेंटिस्ट के पास मेरी रूट कैनाल होने की, तो वो करवा के आ गई थी, अब खाने की तैयारी कर रही थी। तो ये देख लीजिए मैंने मसाला सारा ऐड कर लिया, टमाटर भी ऐड कर देती हूँ और मसाले को भून के आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देख लीजिए टमाटर अच्छी तरीके से भून चुके थे और इसके अंदर जाएगी खड़े मसूर की दाल, और हमारा जो है चावल तैयार हो चुके हैं, चावल उबलेंगे और उसके बाद इसकी तई लगा दी जाएगी। रायता ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर लिया था, तो मेरे ससुराल में बनती है खड़ा मसूर की दाल, वरना मेरी फैमिली में तो कुछ शौक से बनती नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने सारा बर्तन वर्तन धोने हैं, काम वाम सामने का है, तो मेरे दिन का अख्ताम तो तकरीबन हो चुका होता है घर के कामों से, और आखिर में जो एक मेन काम होता है वो हमारा अमरस बनना होता है। और देख लीजिए कितनी प्यारी बिरयानी का लुक आ चुका है, और अमरस बनाना है यानी आम का जूस बनाना है, तो बस वो ही तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद सारा समेट के बर्तन वर्तन धो के और इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और फिर रात में सब सोते हुए अपना अपना गिलास अपना अपना कप पी के ले लेंगे पी, और जो है हमारी रात आज का दिन इसी तरह अहतमाम पजीर होता है। तो ये थी मेरी डेली व्लॉगिंग, छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं और व्लॉगिंग करूँ। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग और गुड नाइट।